हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रशांत सिंह परमार, स्टूडेंट वीडियो सीरीज का स्टूडेंट एक नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे IPMAT 2019 का पेपर, IPMAT इंदौर 2019 का पेपर। चलिए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या दरकार? द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट इंटीरियर एंगल का सम क्या था पॉलीगन में, आपको पता है स्टूडेंट? यस, एन माइनस टू इंटू 180। क्या फॉर्मूला होता है? एन माइनस टू इंटू 180। डन, ये आपको पता है इंटीरियर एंगल का सम होता है। स्टूडेंट अब इसमें क्या दरकार है? सम इज लेस इन 2019। एक अच्छी सी बात बताओ स्टूडेंट, लास्ट ईयर पेपर कौन सा था? हम पेपर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? 2019 का। और इधर नंबर भी क्या दरकार है? 2019। स्टूडेंट ऐसा कई बार मैंने देखा है इन एग्जाम्स में, जैसे 2019 का पेपर है 2019 नंबर दे दिया, इस साल 2020 है तो 2020 का दे देंगे, 2021 है तो 2021 दे देंगे। जो ईयर होता है, सपोज 2016 की बात करो तो उसमें देखना कैट का पेपर या IPMAT, इसमें 2016 डेटा कई बार मिल जाता। चलिए यहाँ पे अपने पास डेटा है 2019, तो आपको क्या दे रखा है? सम क्या दे रखा है? 2019 से छोटा होना चाहिए, तो एन माइनस टू इंटू 180 इज लेस देन 2019। डन, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो एन इंटू 180 इट्स 180 एन माइनस 360 लेस देन 2019। ओके, 180 एन ये उधर जाएगा तो 2379 एंड एन की वैल्यू 2379 डिवाइड बाय 180। एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, आप इसको कट करेंगे, सिंप्लीफाई करने पर आपकी वैल्यू आती है 13.21 समथिंग। ठीक है, तो n शुड बी लेस देन 13.21। और स्टूडेंट अगर साइड होगी तो कोई प्रॉपर नंबर होगा तो n की वैल्यू क्या होगी? 13। तो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग ये इजी क्वेश्चन है, ये क्या है? इजी क्वेश्चन, तो इसको हर पर्टिकुलर बटन को अटेम्प्ट करना चाहिए था। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट बनता है सबका। और ये कॉन्सेप्ट याद रखा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज ऑलवेज एन माइनस टू इंटू 180। तो स्टूडेंट्स पिछली बार इंटीरियर एंगल का, तो इस पर एक्सटीरियर एंगल की प्लानिंग करके जाना। स्टूडेंट एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इज ऑलवेज 360 किसी भी पॉलीगन में हो जाए। ठीक है, ये एक नई चीज और ये फॉर्मूला दोनों आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के लिए। इसका आंसर था आपका 13 क्वेश्चन नंबर टू के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर टू लॉग का है। लॉग में स्टूडेंट्स आपको फिक्स है, आपका IPMAT में 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ऐसे में भी शॉर्ट आंसर्स में भी आएंगे और आपके MCQ पैटर्न में भी आएंगे स्टूडेंट। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इसका बेसिक सा मेथड बताऊं स्टूडेंट। ये देखो पूरा क्वेश्चन साइक्लिक ऑर्डर में, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कौन से ऑर्डर में? साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर में है या नहीं? यस और नो? यस। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में आप एक अप्रोच करो, आप अजम्पशन ले लो, लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अब तीनों को कोई भी इक्वल नंबर आप पुटअप कर दो। सपोज मैंने पुटअप किया 4, तो 4 पुटअप करने पे मेरी फर्स्ट लाइन बनेगी 1 प्लस log 4/4 और यहाँ पे ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू 4। अब 4/4 कितना होता है? 1। तो और log 1 कितना होता है? log 1 कितना होता है? मैं सिर्फ एक को सॉल्व करो, बाकी को सिमिलरली सॉल्व कर देंगे। log 1 कितना होता है? 0। तो पहले की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट आपके पास? 1/1। दूसरे की भी 1/1, तीसरे की भी 1/1। तो आंसर 1 + 1 + 1 कितना होता है? 3। ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर है 3। अगर आप प्रशांत सर के स्टूडेंट्स हैं और आपने वीडियो देखा है तो आप देखेंगे ये भी ट्रिक तो हो सकती है। डन, मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे लिए इजी क्वेश्चंस हैं, मैं मानता हूँ ये अटेम्प्ट बनता है। हो सकता है किसी के लिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हो, पर अगर कोई आइकन का स्टूडेंट है या मेरा कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ईजी में जाएगा।